Hello everyone, my name is Suchita Malushte. I am a faculty from Assistant Beauty Therapist course from ICSA Academy. आज हम बात करेंगे असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे, देखेंगे और समझेंगे एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन आपको कैसे काम करना चाहिए. सो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या क्या सीखते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे एज अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन आपका ग्रूमिंग, हाइजीन और अटायर कैसे होना चाहिए. इसके साथ ही हम देखेंगे कि कुछ डूज और डोंट्स के वीडियो, यानी सर्विस करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. फिर हम सीखेंगे कौन से सर्विसेज आप ये वीडियोस में सीख सकते हैं. आप सीख सकते हो फेशियल, क्लीनअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग. ये सारी सर्विसेज हमने ये वीडियोज में बताई है ताकि आप प्रोफेशनली उसको परफॉर्म कर सकें. इसके साथ ही हम सीखेंगे इस वीडियोस में कुछ अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग टेक्निक्स. जैसे कि इस वीडियो में हमने बताए हैं कुछ अपसेलिंग टेक्निक्स, फेशियल और वैक्सिंग करते समय आपको कैसे क्लाइंट से बात करनी चाहिए और प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए. और इसके साथ हम सीखेंगे कुछ रिटेल टेक्निक्स, यानी सर्विस करने के बाद आपको आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए क्लाइंट को कैसे प्रोडक्ट सजेस्ट करने चाहिए और होम केयर सजेस्ट करने चाहिए, ये आप इस वीडियोस में देख सकते हैं. सबसे लास्ट हम सीखेंगे एज अ एंटरप्रेन्योरशिप आपको कौन से दो ऑप्शंस अवेलेबल है. एंटरप्रेन्योरशिप को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे एज अ फ्रीलांसर, अगर आपको ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आपके खुद के घर पे सेटअप करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि एज अ फ्रीलांसर ब्यूटिशियन अगर आपको काम करना है, यानी आपको दूसरों के घर पे जाके अगर सलून सर्विस देनी है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. उसके साथ ही हम सीखेंगे आपका ब्यूटी बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या प्लानिंग करना जरूरी है. आशा करते हैं कि एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन बनने के लिए हमारा ये असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा. हैप्पी लर्निंग.